तो दोस्तों सबसे पहले हमें जाना है सीधा गूगल में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं खोल लेता हूँ फायरफॉक्स। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी प्रिंटर है आपका, ठीक है ना, कोई भी प्रिंटर हो, जैसे कि एचपी का हो गया, एप्सन का हो गया, या तो फिर कैनन का हो गया, जो प्रिंटर है उसको आप पहले यहाँ पर लिख दो। ये लिखा गया, देखिए एप्सन 3116 प्रिंटर ड्राइवर। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आप जो भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जैसे कि विंडो 10 हो गया, या तो विंडो 8 हो गया, या तो फिर विंडो 7 हो गया, तो उस तरह से यहाँ पर आपको लिख देना है ड्राइवर। उसके बाद फिर यहाँ पर लिख देना, आगे लिख देना है विंडोज 7, या तो फिर जो 8 है तो 8 के लिए कर सकते हैं। अगर आप एक्सपी चला रहे हैं तो भैया एक्सपी का भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर 32 बिट दे रहा है तो इसके जगह में आपको ये देखना है कि आपके जो कंप्यूटर है वो कौन सी बिट का है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको इसको मिनिमाइज कर देता हूँ मैं, आपको जाना है यहाँ दिस पीसी में, ठीक है। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको इस तरह से ये खुल जाएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो देखिए सिस्टम टाइप लिखा हुआ ये है 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आप विंडो 8, 10 कोई भी चला रहे, कोई सभी एक्सपी वगैरह जो भी चला रहे, आपको इस तरह से यहाँ पर सिस्टम टाइप लिखा दिखाई देगा और यहाँ पर 64 बिट का रहेगा, तो 64 बिट आपको गूगल में लिखना पड़ेगा। अगर ये 32 बिट का है तो दोस्तों आपको 32 बिट लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये 64 बिट का है तो यहाँ मैं 64 बिट लिख लेता हूँ, ठीक है, और ये गूगल ऑटोमेटिक दे दिया यहाँ पर। उसके बाद हमें क्या करना है, इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो एप्सन का जो प्रिंटर है, एप्सन का जो प्रिंटर है वो मेन साइट यहाँ पर ओपन हो रहा है, मतलब शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ एक बार हमें क्लिक कर लेना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ समय हमें इंतजार करना है इसके ब्राउज होते तक, उसके बाद ये इस तरह से खुल जाएगा। अभी ये पूरा नहीं खुला है, अभी भी ये घूम रहा है, देख सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर ये पूरा खुल गया दोस्तों। अगर आप चाहते हैं तो आप इधर से डायरेक्ट खोज खोज के डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने कंप्यूटर के लिए डाउनलोड करना है तो हमें बेवजह ये सब में नहीं जाना है, ये सब में नहीं आना है, ठीक है ना। हमें यहाँ पर क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज चूज ऑन एन OS, ठीक है, यहाँ एक बार हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप इसको खोज सकते हैं। अगर आपका विंडो 7 32 बिट है तो 32 बिट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर आपका 8 है तो 8 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक्सपी है तो एक्सपी, विस्टा है तो विस्टा, सर्वर है तो फिर सर्वर। तो मैं यहाँ पर विंडो 10 यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं विंडो 10 64 बिट का सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप जो भी आपका बिट है या तो जो भी विंडो आप यूज कर रहे हैं उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको गो कर देना है। गो करेंगे तो कुछ पल में जितने भी इसके ड्राइवर्स होते हैं वो आपके सामने में दिखाई देगा। तो चलिए हम नीचे आ जाते हैं, तो अभी तक ये पूरा खुला नहीं है, अभी खुल गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो L3110 की जो सीरीज है ना, वही प्रिंटर का आपका 3116, 3115 ये सब में आपका ये लग जाता है। तो आपको ये वाली जो ड्राइवर है यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ये स्कैनर का ड्राइवर है दोस्तों, इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए डाउनलोड कैसे करते हैं देख लेते हैं। आपको यहाँ पर डाउनलोड में जाना है, डाउनलोड में जाने के बाद ये थोड़ा घूमेगा, उसके बाद इस तरह से दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ से आपको सिंपल एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से बैक कर देना है। उसके बाद आपको स्कैनर का भी जो सॉफ्टवेयर है या ड्राइवर है उसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए उसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो अभी ये खुल रहा है तो इसको थोड़ा सा खुलने देते हैं, तब तक ये जो हमारा प्रिंटर का ड्राइवर है ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल जाना है, या तो फिर मैनुअल रूप से आप कहीं पर भी डाउनलोड कर रहे हैं वहाँ आपको चले जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पर ये डबल क्लिक कर देना है, उसके बाद जो सिंपल नेक्स्ट 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 फिनिश वाले जो काम करते हैं वो आपको कर देना है। उस साथ में आपको प्रिंटर को कनेक्ट करके रखे रहना है दोस्तों, ताकि आपका जो ड्राइवर है वो सही शॉट इसमें इंस्टॉल हो जाए। तो इस तरह से दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है, ओके कर देना है। उसके बाद ये एग्री वगैरह सब कहेगा, वो सब आपको कर देना है। उसके बाद आपका जो प्रिंटर का ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप किसी और प्रिंटर का डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी कर सकते हैं दोस्तों। आपको टैब में जाना है, गूगल को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी प्रिंटर है आपका एचपी का हो गया, एचपी 1000 उदाहरण के लिए मैं बता दूँ 126 हो गया, एचपी 126 प्रिंटर ड्राइवर। अब यहाँ पर जो भी विंडो आप लिखेंगे उसको डाल देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं 32 बिट का डाल देता हूँ, इंटर करेंगे। अब जो भी है ना आप देख लेना, और यहाँ पर मैं जो बताया था वो आ गया है, देखिए मतलब जो
एचपी कंपनी हो गया या तो एप्सन हो गया या तो केनन हो गया, उसका जो साइट है ना ऊपर में ही आएगा। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं केनन प्रिंटर ड्राइवर, केनन 2900B ड्राइवर, तो सिंपल लिखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी जो शुरू में है वो उसका मेन साइट आ गया है और उसके जो ड्राइवर है इसमें आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपके जो भी प्रिंटर है या तो लैपटॉप यूज करें चाहे डेस्कटॉप यूज करें, उसके लिए अगर आप प्रिंटर के ड्राइवर डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप नीचे आएंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं इसमें डाउनलोड में क्लिक करना है और आपका जो ड्राइवर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अपने प्रिंटर के ड्राइवर खोजने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। तो आज की वीडियो को बस यही खत्म करते हैं दोस्तों, मिलते किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में। तब तक जय हिंद जय भारत।